नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी में वाराणसी पुलिस ने सीगरा थाने की दीवारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लिखवाने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 5 संदिग्धों को सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया। आपको ये भी बता दें कि ये नारे लिखे जाने के तुरंत बाद हटा दिए गए थे। हैरानी की बात यह है कि जब वो थाने की दीवारों पर नारे लिख रहे थे तो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वही अब मामले में पुलिस और खुफिया अधिकारी संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। सीगरा थाने के इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला के मुताबिक ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाने की दीवार पर कुछ अपशब्द लिखे जा रहे थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थे, तो ऐसे में इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 बिहार के रहने वाले थे। यूपी के लखीमपुर में रिश्वत लेने वाले एक लेखपाल को विधायक के निर्देशानुसार सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों लेखपाल ने 20,000 की रिश्वत ली थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विधायक रोमी साहनी से की थी। वहीं पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को लेखपाल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। विधायक रोमी साहनी का कहना है कि हमारी विधानसभा हमारा घर है और यहाँ की जनता हमारा परिवार, और मैं अपने परिवार पर कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक का ये पूरा मामला है। वह इस मामले में पलिया विधायक और लेखपाल का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक रोमी साहनी लेखपाल को लताड़ लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। चलिए ये ऑडियो भी आपको सुनवाते हैं, जो कि ऑडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। हेलो, रोमी साहनी बोल रहा हूँ। हाँ विधायक जी, प्रणाम सर। यार आपने 20,000 रुपए गरीब आदमी, ऐसा है मैंने जबरदस्ती नहीं लिए थे विधायक जी, हमने कहा था अगर बन जाएगा तो भाई बना देंगे। हाँ। साहब का मामला है। आपका क्या शुभ नाम है? बंसराज। बंसराज, तुम यार इस उम्र में भी गरीब आदमी नहीं, तो हम क्या करते जब अभी अगर तुम्हारे खिलाफ FIR लिखा दूं तो जेल चले जाओगे। तो मैंने जबरदस्ती नहीं, लेने का अधिकार किसने दे दिया आपको रुपया? अरे भाई मैंने नहीं, जब हमने क्या प्रधान जी पैसे देता है भाई, प्रधान जी लेके आए थे। अगर इसको तुमने 24 घंटे के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा के जेल ना भेज दिया तो मैं असल बंसीलाल सानी की औलाद नहीं हूँ। अरे विधायक जी, मैं तुमसे जी, तुम अगर 24 घंटे के अंदर गरीब के रुपया 20,000 वापस नहीं किए तुमको जेल भिजवा दूंगा, दूसरी बार कह रहा हूँ। अरे जोर तुम लगा लेना, तुम कहाँ बचोगे देखता हूँ। अरे मेरी सैलरी कल तक आ जाएगी, मुझे 24 घंटे पैसा वापस करिए 20,000 गरीब आदमी का। हेलो, रोमी साहनी बोल रहा हूँ। हाँ विधायक जी, प्रणाम सर। यार आपने 20,000 रुपए गरीब आदमी, नहीं नहीं ऐसा है मैंने जबरदस्ती नहीं लिए थे विधायक जी, हमने कहा था अगर बन जाएगा तो भाई बना देंगे। हाँ। साहब का मामला है। आपका क्या शुभ नाम है? बंसराज। बंसराज, तुम यार इस उम्र में भी गरीब आदमी तो रुपए नहीं, तो हम क्या करते जब अभी अगर तुम्हारे खिलाफ FIR लिखा दूं तो जेल चले जाओगे। तो मैंने जबरदस्ती नहीं, लेने का अधिकार किसने दे दिया आपको रुपया? अरे भाई मैंने नहीं, जब हमने क्या जबरदस्ती पैसे देता है भाई, प्रधान जी लेके आए थे। अगर इसको तुमने 24 घंटे के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा के जेल ना भेज दिया तो मैं असल बंसीलाल सानी की औलाद नहीं हूँ। अरे विधायक जी, मैं तुमसे जी, तुम अगर 24 घंटे के अंदर गरीब के रुपया 20,000 वापस नहीं किए तुमको जेल भिजवा दूंगा, दूसरी बार कह रहा हूँ। अरे जोर तुम लगा लेना, तुम कहाँ बचोगे देखता हूँ। अरे मेरी सैलरी कल तक आ जाएगी, मुझे 24 घंटे पैसा वापस करिए 20,000 गरीब आदमी का। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में एक 20 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली। दरअसल बीते दिनों युवक ने अपनी मां से 40,000 रुपए लिए थे, जिन पैसों का उसने सट्टा लगाया, पर जब वो सट्टा हार गया तो घर पर पैसे लौटाने के डर से उसने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक अपना मोबाइल पर्स घर पर ही छोड़कर एक कागज पर अपनी मां के पैसे वापसी न कर पाने की वजह से जान देने जा रहा हूं, ये लिखकर घर से चला गया। युवक के पिता ने भोजपुरा थाने में युवक की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई।
अब युवक का शव उसके घर के पास ही एक नदी में तैरता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह युवक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की गई है, उसकी हत्या की गई है। एसपी ग्रामीण ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि युवक के पिता ने 7 तारीख को युवक की गुमशुदगी भूजपुरा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है और अब युवक का शव उसके घर के पास ही नदी में तैरता हुआ बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कल दिनांक 7 अगस्त 2021 को ग्राम पजदौरा दोहरिया थाना भूजीपुरा क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद हारून ने अपने 20 वर्षीय बेटे अब्दुल कादुर की गुमशुदगी लिखवाई थी। उसमें उन्होंने यह भी अंकित कराया था कि उनका बेटा कल से गायब है और अपना मोबाइल और पर्स घर पर छोड़ गया है और पर्स में एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि अपनी माँ के 40,000 रुपये सट्टे में हार जाने के कारण वो अपनी जान दे रहा है। इस संदर्भ में थाना भोजीपुरा पर उसकी गुमशुदगी पंजीकृत की गई थी तथा परिजनों के साथ में उसको खोजने का प्रयास किया था। आज उसकी डेड बॉडी एक नदी में जो उनके खेत के पास से लगी हुई है उसमें प्राप्त हुई है। वो उसके शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया है, उसमें मृत्यु कारण ड्राउनिंग ही आया है। बहराइच में पुलिस ने 50,000 के नामिया बदमाश मनीराम उर्फ मणि को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली भी लग गई जिसकी वजह से वो घायल हो गया। आपको बता दें कि शातिर बदमाश मनीराम पर गंभीर धाराओं में करीब 37 मुकदमे दर्ज है। ये मुठभेड़ जिले के थाना मटेरा इलाके के कोरियन पुरवा में हुई थी जो कि थाना मोतीपुर और मटेरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान हुई। फिलहाल पुलिस मणिराम के बाकी फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। तो बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर कई दिनों से वांछित चल रहा मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। तो 50,000 का नामिया बदमाश ये बताया जा रहा है। महोदय बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु तो चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 8 अगस्त 2021 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर मटेरा व मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मटेरा थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा नहर पटरी के पास लगभग 2300 बजे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है और मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरिद्वारी निवासी ग्राम गुदरिया थाना धौरारा जनपद खीरी का है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। ये शातिर अपराधी है, इस पर 37 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इसके अन्य अभियोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। मौके से जो अन्य इसके साथी फरार हैं उनके लिए निरंतर टीमें दबिश दे रही हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ में बीती रात भारी बारिश के दौरान गांव अफसाबाद चमन में एक मकान की छत गिर गई। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के गांव अफसाबाद चमन का है जहां बीती रात बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिर गई जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। पीड़ित गांव निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उसका गांव में कच्चा मकान है। वो रात को परिवार के साथ घर में ही सो रहा था। इसी दौरान बारिश से उसके मकान की छत की 4 कड़ी टूट कर गिर गई जिससे पास में ही सो रहे 2 बच्चे मलबे में दबने से बाल बाल बच गए। छत गिरने से जहां काफी नुकसान हुआ है वहीं उनका आशियाना भी उजड़ गया। पीड़ित एक मजदूर है और किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर पाता है। वो अपने मकान का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। पीड़ित का कहना है कि उसने ग्राम प्रधान से भी आवास योजना के अंतर्गत कई बार मकान बनवाने को कहा पर कोई सुनवाई नहीं हुई है जिस वजह से वो कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। पीड़ित ने अब बीडीओ के आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाने की गुहार लगाई है लेकिन देखना होगा कि उसकी गुहार पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और कब तक उसे एक अच्छा मकान दिया जाता है। बिजनौर की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से गरीब का आशियाना उजड़ गया है। दरअसल देर रात हुई तेज बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिर गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गरीब का आशियाना उजड़ गया है। रात 1 बजे जब बारिश आई तो मेरी कच्ची छत थी वो गिर गई।
मुश्किल से बच्चों को अपने बचाया। उसके बाद मैंने ग्राम प्रधान साहब अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिरोजाबाद के टूंडला जीआरपी पुलिस ने तीन षड्यंत्रकारी टीटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि तीनों टीटी ने अपने अधिकार के खिलाफ बदले की भावना से उसे बदनाम करने उद्देश्य से एक महिला का झूठा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में महिला ने सीआईटी भूर सिंह मीना पर टिकट फाड़ने और हाथ पकड़कर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन ने टीम गठित कर जांच पड़ताल की तो साफ हुआ कि सीआईटी भूर सिंह ने महिला से कोई बदसलूकी नहीं की थी, बल्कि टूंडला में टीटी के पद पर तैनात कुलदीप सिंह, दुर्गेश कुमार और देवेंद्र दीक्षित ने महिला की मिलीभगत से भूर सिंह के खिलाफ साजिश रची थी। फिर भूर सिंह की तहरीर पर टूंडला जीआरपी पुलिस और महिला और तीनों टीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुलदीप और दुर्गेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं देवेंद्र दीक्षित और महिला अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। तो आगरा का एक पूरा मामला है जहां पर अधिकार के खिलाफ साजिश रची गई है, साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल तीन लोगों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी और महिला को भी इसमें शामिल किया था, जिसमें एक वीडियो वायरल किया गया था। अधिकारी भूर सिंह बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। फिलहाल इस प्लान का खुलासा कर दिया गया है और जितने भी इस पूरे मामले में शामिल थे लोग, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, एक वीडियो जो है रेलवे स्टेशन टूंडला के संदर्भ में एक संज्ञान में आया था रेलवे के ट्विटर हैंडल से, और उसमें एक महिला के द्वारा जो वहाँ पे सीआईटी है भूर सिंह मीना, उनके ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए थे। इसी संदर्भ में जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा भी और जीआरपी के द्वारा भी अलग अलग इसकी जाँच जो है वो की गई थी, उस वीडियो की जाँच की गई थी। इसी जाँच के दौरान यह पाया गया था कि वहाँ पर तीन अन्य टीटी हैं, एक कुलदीप कुमार, दुर्गेश सिंह और डीके दीक्षित, इन तीनों के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से अपने षड्यंत्र में एक महिला को शामिल करते हुए वर्तमान भूर सिंह मीना के को बदनाम करने के उद्देश्य से एक वीडियो जो है वो बनवाया गया था। इसके आधार पे और एक मुकदमा जो है वो भूर सिंह मीना के तहरीर पे पंजीकृत जो है वो किया गया है 11/21, और उसी के आधार पे कुलदीप कुमार और दुर्गेश सिंह, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक रोहन प्रबोध बोत्रे के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोरो और पटियाली थाना पुलिस ने चार शराब तस्करों को सैकड़ों लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से शराब तैयार करने वाली भट्टी, लहन और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद किया गया लहन नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने जिले के सभी थानों की पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसी के तहत सोरो और पटियाली थाना पुलिस ने पटियाली क्षेत्र के थाना दरियावगंज ताल के पीछे जंगल में छापा मारकर चार शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से करीब 225 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद कर ली गई है। तो कासगंज का एक पूरा मामला है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस लगातार कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है और ऐसी भट्टियों को नष्ट कर रही है। इसी सिलसिले में करीब करीब 225,000 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है, जिसके अलावा चार शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। शासन के निर्देशानुसार लगातार जो है कच्ची शराब के खिलाफ अभियान जो है वो शुरू किया गया है। लगातार इसमें छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही में जो दुकानें हैं देशी और अंग्रेजी शराब की, जो शॉप्स हैं, उसके भी स्टॉक रजिस्टर इत्यादि को चेक किया जा रहा है। कभी कहीं भी अगर किसी भी तरह की गफलत प्राप्त न होती है पुलिस को, तो उसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसी अभियान के तहत थाना पटियाली और सोरो ने कम्बाइंड ऑपरेशन के तहत कल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लगभग 225 लीटर शराब कच्ची शराब प्राप्त हुई है। एक दूसरे थाने में भी लगभग 60 लीटर शराब एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किया गया है। जितने भी ये अभियुक्त हैं कठोर धाराओं में, धारा 272 और अन्य धाराओं में जो है इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मेरठ में एक सिपाही को गोली लगने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में घायल सिपाही को मेरठ के केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। हालांकि मामला पारिवारिक विवाद में गोली मारने का बताया जा रहा है। पूरा मामला मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के जैनपुर मोड़ का है, जहां दिल्ली गेट थाने की पीआरवी पर तैनात सिपाही दुष्यंत को गोली लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं सिपाही को गोली लगने की घटना से जिले की पुलिस में हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलती ही आनंद फानंद में एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिपाही दुष्यंत घटना के वक्त छुट्टी पर था और वो अपनी कार में जैनपुर मोड़ पर किसी काम से गया था। इसी दौरान
आशीष नाम के एक व्यक्ति ने सिपाही को गोली मार दी। हालांकि एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते सिपाही को गोली मारी गई है। फिलहाल आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश भी दी जा रही है। तो मेरठ का एक पूरा मामला जहां पर सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई है। पारिवारिक विवाद के चलते गोली मारने का एक पूरा मामला सामने आया है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो मेरठ का एक पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर सिपाही की गोली लगने से हड़कंप मच गया है। पुलिस महकमे में लगातार हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, दिल्ली गेट की पीआरवी के ये कांस्टेबल हैं, दुष्यंत इनका नाम है। आज इनका वीकली ऑफ था और कल सवेरे से इनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी। ये अपने पर्सनल कार में जैनपुर, जो प्रतापपुर में पड़ता है, बिजली बंगा बाईपास से, उसके निकट ये थे और सूचना मिली कि इनको जो है पैर में इनकी गोली लगी है। उनसे जो पूछा गया, प्रथम दृष्टया इनके द्वारा बताया गया किसी पारिवारिक विवाद में इनके जानने वाले ने इनको जो है गोली मारी है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है, इनके पैर में गोली है, इनको बेहतर इलाज का कराया जा रहा है। इनसे तहरीर बात करके सत्यता और साक्ष्य के आधार पर मुझे भी गिरफ्तारी करी जाएगी और योजना के क्रम में जो है सारी बात। लखीमपुर खीरी के थाना सपूर नगर के एक ग्राम पंचायत में एक नाबालिग युवती ने गांव के ही कुछ लोगों पर गांव में घुसकर गाली गलौज, छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी घर में रखे नकदी और जेवरात भी लूट ले गए। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके घर पर अवैध रूप से कब्जा भी कर रखा है। वहीं पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि जब घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष शंपू नगर को प्रार्थना पत्र देने गए तो थाना अध्यक्ष ने उल्टा ही उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़िता और उसके परिजनों का कहना है कि अगर हमें उचित न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। तो अवैध कब्जे से पूरा परिवार परेशान है। वहीं युवती का यह भी आरोप है कि कुछ दबंग उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, मारपिटाई करते हैं और उसके घर पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन उन्हें कोतवाली से भगा दिया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा परिवार खुदकुशी कर लेगा और इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। तो न्याय न मिलने से पूरा परिवार परेशान है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है पीड़िता द्वारा कि उसके साथ अभद्रता की गई है और उसके साथ बदतमीजी की गई है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि उसके घर पर अवैध रूप से इन दबंगों ने कब्जा भी किया हुआ है। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक तेज रफ्तार पुलिस जीप ने सड़क पार कर रहे किसान को रौंद दिया, जिससे किसान की मौके पर ही जान चली गई। वहीं पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। घटना से गुस्साए ग्रामीण शव को लेकर डीएम आवास पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए 5 थानों के पुलिस को बुलाया गया। आपको बता दें कि मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B पर पाली गांव में किसान रामनिवास सिंह अपने खेतों में जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे कि तभी तेज रफ्तार डायल 112 की जीप ने किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही जान चली गई। जबकि पुलिसकर्मी जीप लेकर मौके से फरार हो गए, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने किसान के शव को अपने साथ लेकर डीएम आवास पहुंचे और सड़क पर शव को रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश कर रही है। तो बागपत का ही पूरा मामला है, जहां पर डायल 112 जीप से किसान को जोरदार टक्कर लगी। इस हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स बुला ली है। जो ग्रामीण है उन्हें समझाने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन गांव वालों का ये आरोप है कि पुलिस की जीप से किसान की हत्या हुई है, किसान की मौत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की है। इससे ग्रामीण का खासा नाराज नजर आ रही है। बागपत का ही पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त किसान जो है अपने खेत पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही डायल 112 की जीप ने किसान को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में किसान की मौके पर ही जान चली गई, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण जो है इकट्ठा हो गए और जमकर यहां पर बवाल हो रहा है।
तो मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को काफी समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन ग्रामीण समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है, लेकिन अब किसानों की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। तो बागपत का एक पूरा मामला है जहां पर डाल 112 की जीप से किसान को जोरदार टक्कर लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त किसान जो है अपने खेतों पर काम के सिलसिले से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही डाल 112 की जीप ने किसान को टक्कर मार दी, तथा हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ये सुबह सुबह क्या नाम अपने गैर से क्या नाम है अपना रोड क्रॉस करने के लिए अपना मंदिर के सामने आए थे। रोड क्रॉस करने वाले में उधर से गाड़ी इतनी स्पीड आ रही थी इनकी पुलिस वालों की, जो रात को गश्त पर रहते हैं हमारे वहीं रिवर पार्क के वहाँ गाड़ी खड़ी होती है इनकी, जिसका नंबर UP 17 0130। तो उसमें क्या नाम है अपना जैसे रोड क्रॉस करिए तो नाले पर बिल्कुल नाले के ऊपर ही खड़े थे, गाड़ी इतनी स्पीड में मोड़ी उन्होंने, या तो पीछे से ये भैंस भैंस की जो गाड़ी आती है उनसे पैसे वैसे लेने के चक्कर में तेज़ गाड़ी मोड़ी उन्होंने, तेज़ गाड़ी इतनी थी कि क्या नाम है उन्होंने कवर नहीं हुई और टक्कर एकदम सीधी इनकी लगी जाके और टक्कर लगते ही नाले में लगे ऑन द स्पॉट गैर तक। क्या नाम क्योंकि परिवार काफ़ी गरीब है तो गरीब के आधार पर और कृषक है तो उसको जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना का पारिवारिक लाभ की योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इन लोगों की मांग थी कि पुलिस वालों की लापरवाही है तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन के आधार पर भी पुलिस कार्रवाई। मेघालय के शिक्षा मंत्री लखमीर रिबुई ने कहा है कि मेघालय अगस्त के मध्य से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार कर रहा है। रिबुई ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके क्लास टीचिंग को फिर से शुरू करने की जरूरत है, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में। उन्होंने कहा है कि COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए एक एलिजिबल 50% छात्रों को टीका लग चुका है, अगस्त के मध्य तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। तो मेघालय में जल्द ही शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि जितने भी हायर क्लासेस हैं उनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर और ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। बात की जाए तो करीब करीब 50% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें एक दिन बुलाया जाएगा, और इसके अलावा 50% ऐसे होंगे जो अगले दिन आएंगे, यानी कि अल्टरनेटिव डेज में क्लासेस चलेंगी, लेकिन शैक्षणिक संस्थान जो है वो अब खुल जाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल फिर से खोलने के मामलों का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। बैठक में मौजूदा अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जाएगा। SOP का पालन करने के लिए स्कूलों की तैयारी, शिक्षकों और अन्य कर्मियों के टीकाकरण और माता पिता छात्रों की चिंताओं का मूल्यांकन कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले ही किया जाएगा। तो राजधानी में स्कूल फिर से खोलने पर विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक्सपर्ट्स पैनल का गठन करने की बात कह चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।